एक अश्लील की है, ये हल करने जा रहे हैं। इसका पहला सवाल है कि सेट, तीन सेट दिए हुए हैं ए बी और सी, ये तीनों सेट के अरकान दिए हुए हैं, तो हमको ये जो कुछ एक से लेकर छः तक ये बयान दिए गए हैं इनके बारे में बताना है, ये बयान सही है या गलत है। ठीक है, पहले ये तीनों सेट, चारों सेट के बारे में देख लेते हैं। ए सेट के अंदर कौन से अरकान हैं, ए बी सी डी ई। फिर बी सेट के अरकान कौन से हैं, सी डी ई एफ ये अरकान है। फिर सी सेट में कौन से अरकान हैं, बी और डी। और डी सेट में दो अरकान हैं, ए और ई। पहला बयान क्या कहता है, सी ज़िमनी सेट है बी का। अब सी के तमाम अरकान, सी ज़िमनी सेट है बी का, ये दोनों में गौर करना है। देखिए सी के तमाम अरकान बी में है क्या, देखिए सिर्फ बी ये रुकन ही सी में है, बाकी जो बी रुकन है ये बी में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी ये बी का ज़िमनी सेट नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये बयान गलत है, ये बयान गलत है। क्यों गलत, क्योंकि सी का एक रुकन ऐसा है जो बी में नहीं है। वो कौन सा रुकन है, वो है बी रुकन। सी का बी रुकन सेट बी में नहीं है, तो इसकी वजह लिखेंगे अपन यहाँ पर कि सेट सी का रुकन बी सेट बी में शामिल नहीं है। सेट सी का रुकन बी सेट सी में शामिल नहीं है, इसलिए सेट सी ज़िमनी रुकन नहीं है सेट बी का। ठीक है, दूसरा बयान देखिए, ए ज़िमनी रुकन है, सॉरी ए ज़िमनी सेट है डी का। अब ए और डी में देखिए क्या, ए के अरकान कौन से हैं, ए के अरकान है ए और ई। ठीक है, सॉरी ए और ई, हाँ सेट ए के अरकान देखिए आप, ए बी सी डी ई, इतने सारे अरकान हैं, ये तमाम अरकान डी में है क्या, नहीं है। ए ये ज़िमनी सेट नहीं होगा डी का, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ ए का एक ही रुकन कायम है डी में है, बाकी अरकान डी में नहीं है। तो हमने ज़िमनी सेट की तारीफ देखे थे कि भाई ज़िमनी सेट कौन किसका रहता, कि भाई एक सेट है समझ लीजिए ए नाम का और एक सेट है बी नाम का। अगर बी के तमाम अरकान ए में होंगे तो हम कहेंगे कि भाई बी ज़िमनी सेट है ए का, या ए के तमाम अरकान बी में होंगे तो हम कहेंगे ए ज़िमनी सेट है बी का। लेकिन यहाँ पर ए के तमाम अरकान बी में नहीं है, इसलिए ये बयान गलत है। ये बयान क्या है, ये बयान गलत है। क्यों है, क्योंकि सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में नहीं है। यहाँ पर मुझे लिखेंगे अपन, सेट ए के तमाम अरकान सेट बी में शामिल नहीं है। तीसरा देखिए बयान, डी ज़िमनी सेट है बी का। अब देखिए डी और बी में कंपेरिजन करके देखिए, ये डी ज़िमनी सेट है बी का। अब डी के तमाम अरकान बी में है क्या, डी के अरकान हैं ए और ई, इसमें है क्या, सिर्फ एक ही रूप में दिख रहा है को ई, ए तो है ही नहीं, मतलब ये बयान भी कैसा होगा, गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि डी के तमाम अरकान बी में नहीं है, जैसे डी का जो ए रूप में है को बी में नहीं है, तो ये बयान गलत है। और ये बयान गलत क्यों है, क्योंकि सेट डी का रुकन कौन सा रुकन नहीं है, ए रुकन बी में नहीं, ए सेट बी में
शामिल नहीं है। ठीक है, अभी चौथा देखते हैं, चौथे में क्या दिया हुआ है हमको। डी ए का जिंदगी सेट है। देखिए अब डी और ए में देखिए, डी के तमाम अरकान ए में है कि नहीं है। देखिए ए है ए में, फिर ई ई भी है, तो हम कह सकते हैं कि डी क्या है, सेट ए का जिमनी सेट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सेट डी के दोनों अरकान, ये बयान सही है, ये बयान सही है। क्यों है सही? क्योंकि सेट डी के अरकान, और कौन से अरकान है सेट डी में? ए और ई सेट ए में शामिल है। सेट ए में मौजूद है। चौथा सवाल, पांचवा सवाल देखिए, पांचवे में क्या बताना है? सेट बी जिमनी सेट है ए का। देखिए सेट बी के तमाम अरकान सी डी ई एफ, अभी तीनों अरकान तो सेट बी में है, सी डी ई, ये तीनों अरकान तो सेट ए में है, लेकिन एफ ये रुकन ए में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सेट बी ये जिमनी सेट नहीं होगा सेट ए का। तो ये बयान कैसा हुआ फिर? गलत, ये बयान गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि सेट बी का रुकन कौन सा रुकन नहीं है? एफ नहीं है, रुकन एफ सेट ए में शामिल नहीं है। ठीक है, पांचवा, छठे में क्या बताना है? सेट सी ए का जिमनी सेट है। देखिए सी सेट और ए सेट, सेट सी में दो ही रुकन है, एक है बी और दूसरा है डी। देखिए बी भी है सेट ए में और डी भी है सेट ए में, मतलब सेट सी के तमाम अरकान कायम हैं ए में है, इसलिए बयान कैसा होगा? सही होगा, ये बयान सही है। क्यों है? क्योंकि सेट ए के अरकान, और सेट सी के अरकान कौन से अरकान हैं? बी और डी, बी और डी सेट ए में मौजूद है। इस तरह से ये हो गया अपना सवाल नंबर एक। इसमें अब सबसे पहले तो हमको एक्सेट मालूम करना पड़ेगा, एक्सेट में क्या रखा हुआ है। तो देखिए सात से बड़ा और पंद्रह से छोटा, यानी आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ये तमाम अरकान कायम आएंगे एक्सेट में। ठीक है, तो सात से बड़ा कौन है? आठ है, फिर नौ है, फिर दस है, ग्यारह है, बारह है, तेरह है और चौदह है। ये होगा अरकान अपने किसके? सेट एक्स के। अब इसको अगर हम वेन खाके से दिखाना चाहें तो इसका हम दिखा सकते हैं। इसमें ये अपना अल्फा की सेट है यू, और इसमें कौन से अरकान रखे हुए हैं? एक दो तीन चार पाँच छ, फिर सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और बीस। ये होगा अपने एक से लेकर बीस तक के कभी आदात का सेट, यानी आपका जी सेट यू एक से बीस तक। अब इसमें जो अपने बताना है कि एक्सेट कहाँ है, तो एक्सेट में कौन है? आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, तो ये हो गया अपना अल्फा की सेट एक्स। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरे सवाल में हमको एक से बीस के दरमियान पहला नंबर, पहले का, अब दूसरे का देखिए।
इसके अल्फा की शर्ट पहले जितना बोले ना वो कौन सा है, 1 2 3 4 18 19 और ये है 20। ये अपना अल्फा की शर्ट, और इसमें वाई शर्ट बताना पड़ेगा अपने इसी तरीके से। दूसरा सेट दिया हुआ है उनको कि वाई अरकान है इसमें, और वाई अरकान क्या है, 1 से 20 के दरमियान मुफर्रत आदा। अब मुफर्रत आदा किसको कहते हैं, जो खुद के पहाड़ी में आते हैं और दूसरे पहाड़ में नहीं आते, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 और 19 ये खुद के पहाड़ी में आने वाले आदा हैं। इसलिए वाई सेट में क्या रखा हुआ है, वाई सेट में रखा हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, अब इसको वेन खाते से बताएंगे अपन। ये यू सेट है, यू सेट में ये एक आदत रखे हुए, और ये क्या है अपना वाई सेट है जिसमें आदत है 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, सेट यानी आता की सेट हमको दिया हुआ है कौन सा, 1 2 3 7 8 9 10 11 12, और की सेट दिया हुआ है 1 3 7 10। ठीक है, अब इसको हमें इसका मुकम्मला सेट की का मुकम्मला सेट कौन सा होगा, जो पी में अरकान नहीं है, ऐसे अरकान कहीं नहीं आएंगे मुकम्मला सेट में, जैसे 3 एकम नहीं है 2 नहीं है फिर 8 नहीं है 9 नहीं है फिर 11 नहीं है और 12 नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पी डैश यानी पी के मुकम्मला सेट में कौन से अरकान होंगे, 2 8 9 11 12 यहाँ लिख सकते हैं अपन। तो पी के अरकान तो ये है, इसलिए पी डैश के यानी पी के मुकम्मला सेट के अरकान कौन से हैं, जो पी में नहीं है, पी में नहीं है कौन से नहीं है, 2 नहीं है 8 नहीं है 9 नहीं है 11 नहीं है और 12 नहीं। ये हो गया पी का मुकम्मला सेट। अब पहले का जवाब निकालेंगे, दिन खाते से बताना है अपने, दिन खाता बनाएंगे अपनी यू सेट का यानी आफत की सेट का। जो अरकान है कौन है, 1 3 7 10 1 3 7 10 ये हो गया अपना पी सेट। ठीक है, और ये है आफा की सेट। अब जो अरकान पी सेट में नहीं है वो कौन से है, तो वो अरकान ये है 2 8 9 11 ये कहीं नहीं आएंगे फिर पी डैश में। तो आपके पहले का जवाब। दूसरा सवाल, क्या सेट में अरकान दिए गए हैं, उनको कौन से दिए गए हैं, 1 2 3 7 8 9 10 11 और 12 ये अरकान कायम है आफा की सेट में। और पी सेट में अरकान कौन से हैं, पी सेट में है 1 3 7 और 10। इस लिहाज से मुकम्मला सेट में कौन से अरकान होंगे, इसलिए सेट पी डैश किसके मसावी होगा, पी डैश के मुकम्मला सेट का मुकम्मला सेट क्या हुआ, ये यू और ये इन कथा के अरकान और ये पी डैश, इनके अरकान कौन से रहेंगे, वही रहेंगे जो कायमे हैं। देखिए पी डैश में कौन से अरकान आने वाले हैं, 2 यहाँ पर पी डैश के अरकान निकला हुआ है।
पीडेश के अरकान कौन से हैं, तो पीडेश के अरकान है 2, 8, 9, 11 और 12। बचे हुए रुकन कौन से हैं, बचे हुए रुकन है 1, 3 और 7 बताएंगे हमें पीडेश 1, 3, 7 कि भाई ये अरकान किसके है, 1, 3, 7, 10 ठीक है 1, 3, 7, 10। अब ये दोनों भी एक जैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसको मसावत नंबर 1 दे देंगे, इसको मसावत नंबर 2 दे देंगे, और दोनों के अरकान एक जैसे, इसलिए कैसे हो गए ये दोनों मसावी सेट हैं। बयान 1 और 2 की नाप पर, बयान 1 और 2 की नाप पर पी सेट के मुकम्मल सेट का मुकम्मला सेट मसावी है पी। योगा सवाल नंबर, कोई भी 3 जिमनी सेट लिखिए। अब जिमनी सेट निकालना, बहुत सारे जिमनी सेट निकाल सकते हैं, तो किस तरह से निकालेंगे, सेट ए के जिमनी सेट दर्ज है, इनको नाम अपन खुद भी दे सकते हैं। ये एक जिमनी सेट लेना, एक रुकने वाला जिमनी सेट, फिर 3 रुकने वाला जिमनी सेट, 2 रुकने वाला जिमनी सेट, 7 रुकने वाला जिमनी सेट, इसी तरह से 1 और 3 रुकने वाला जिमनी सेट, ये सब जिमनी सेट है, 3, 2 रुकने वाला जिमनी सेट और 2, 7 रुकने वाला जिमनी सेट, बहुत सारे जिमनी सेट बना सकते हैं, फिर 1, 3, 2 रुकने वाला जिमनी सेट, इसी तरह से 3, 2, 7 ये सब क्या है, सेट एक जिमनी सेट, और बहुत सारे। महाराष्ट्र की बात सुनते रहेंगे कि ये पुणे कहाँ है, महाराष्ट्र में रहते हम कह सकते हैं कि पुणे ये पी सेट इसका जिमनी सेट है, एच का जिमनी सेट है, पहला लिख लेंगे अपन यहाँ पर पी जिमनी सेट है एच का, क्यों है, क्योंकि पूना के बाशिंदे, पूना के बाशिंदे महाराष्ट्र के बाशिंदे है, महाराष्ट्र के ही बाशिंदे है, इसलिए पी सेट जिमनी सेट होना एच का, हो गया पहला। दूसरा, अब पुणे ये कहाँ पर है, भारत में है, तो पुणे के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, पुणे के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे हैं, ये पुणे कहाँ है भारत में, इसलिए कि ये हिंदी से होना बी, ठीक है। फिर आइए मध्य प्रदेश के बाशिंदे किसके बाशिंदे होंगे, भारत के बाशिंदे होंगे, और इंदौर के बाशिंदे, इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तो इंदौर के बाशिंदे मध्य प्रदेश के भी बाशिंदे हैं, इंदौर के बाशिंदे मध्य प्रदेश के भी बाशिंदे हैं। इसलिए आई जिमनी सेट है एम का, ठीक है। अच्छा, इंदौर के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे होंगे, क्योंकि इंदौर कहाँ है, भारत में है, इंदौर के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे है, इसलिए आई ये जिमनी सेट बीमा कार्य का, ठीक है। इसी तरह मध्य प्रदेश के बाशिंदे किसके रहेंगे, भारत के बाशिंदे, यहाँ लिखेंगे अपन मध्य प्रदेश के बाशिंदे भारत के भी बाशिंदे, इसलिए
मध्य प्रदेश के बाशिंदे, दिल्ली से टूंगे खाए के भारत के बाशिंदे। आखिरी बयान, महाराष्ट्र के बाशिंदे भी किसके बाशिंदे रहेंगे? भारत के, महाराष्ट्र के। भारत के भी बाशिंदे, भारत के भी बाशिंदे है। इसलिए एच रिमनी सेट होना डी। तो मस्कूरा वाला तमाम सेट में सेट बी के दिल्ली सेट है, यानी भारत की ये नहीं है तमाम, पूना, महाराष्ट्र, इंदौर, मध्य प्रदेश, ये सब किसके हिस्से है? भारत के हिस्से है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बी सेट है ये आफाकी सेट है और बाकी तमाम क्या है उसके दिल्ली सेट है। यहाँ लिखेंगे अपन दूसरा जवाब दूसरे साथ कि भाई मस्कूरा वाला सेट में तमाम सेट क्या है? बी के जिमनी सेट है। सेट बी के जिमनी सेट है, यानी बी यानी भारत के बाशिंदे का सेट को आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है। यानी भारत के बाशिंदों के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लिया जा सकता है। ये आपकी मश्क एक अशर तीन का पांचवां सवाल, छठा और सातवां ये आपके निसाब से काट दिया गया है, इसके बारे में आपको घर पर ही पढ़ना है, ठीक है? इसको लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पर शेयर कीजिए।